भाई मैं देखा ये रणवीर चौधरी पांच नंबर चौकी से ध्यान से देख। नहीं देखा चल जाए बना चल आप किसने भी नहीं देखा रणवीर ये साला मामा मिल क्यों नहीं रहा। एक बात बोलूं जनाब अगर मामा मिलना होता ना तब तक साला मिल जाता। एक बात बताओ जनाब जब शहर की एक छोरी हमारी नजरों से नहीं बची मामा क्या चीज है। तुझे क्या लगता है। मुझे तो सीधा सीधा मर्डर किया। मर्डर रणवीर अगर ये मर्डर है मामा जी को खोए हुए तीन दिन हो चुके हैं सर। नाना नानी के 36 फोन आ चुके हैं। बताइए क्या जवाब दूं। अब तो वो भी ताने मारने लगे कि हमें अपने बच्चों को तुम्हारे घर भेजना ही नहीं चाहिए था। तीन दिन पहले प्रमोशन हुआ था सर मेरा। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लगे थे तो ये मामा जी के पिकअप के चक्कर में डिमोशन और हो गया। मम्मी जी मामा जी के गम में आज तक रसोई से बाहर नहीं निकली और अगर मैं मामा जी का इतना सा जिक्र कर दूं तो भरता भरता चिल्लाने लगती। देखिए मम्मी इंस्पेक्टर त्यागी जी आए हैं। भरता 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 देखा सर। ये तो मैं तो ऐसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे मेरा मामा सच में मर गया। सर मामा जी का कुछ पता लगा कब तक मिल जाएंगे कुछ जानकारी कुछ खबर क्या हुआ सर। तेरे मामा का मर्डर कर दिया किसी ने। क्या मेरे मामा खो गए हैं और आपको हंसी आ रही है आपको मजाक सूझ रहा है। 45 साल का सांड हो रहा था तेरा मामा खो गया ऐसे कैसे खो गया हैं? अब कहना क्या चाहते हैं सर। कहना नहीं बनती हम सुनना चाहते हैं। क्या सर। कहानी। कौन सी कहानी सर। जो अभी तक तूने सुना ही नहीं। मतलब ये शुरू से बता हुआ क्या था। आप मेरे से इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते सर। मामा किसका खोया है। मेरा। तो सवाल मैं तेरे फूफा से जाके पूछूंगा। चल बता मामा कब कहां और कैसे पहुंचे। चल शुरू हो जा। मामा को सुबह 7 बजे फरीदाबाद स्टेशन पहुंचना। मामा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। अभी तक आए नहीं मामा जी। अरे भाई ट्रेन तो आधा घंटा लेट है इसीलिए हम एक स्टेशन पहले उतर गए। अगर हम फरीदाबाद तक ट्रेन के साथ जाते तो हमारा रूटीन नहीं टूट जाता। अच्छा तुम एक काम करो तुम यहाँ जाओ तब तक हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ जनाब इसका मामा तो रूटीन का बड़ा पक्का सर। मतलब 7 बजे टट्टी और 7:30 बजे स्नान क्यों भी बंटी ऐसा ही है ना जी। अच्छा भाई मान ले अगर तेरे मामा को 7 बजे की जगह 6:55 पे टट्टी आ गई तो तेरा मामा रूटीन फॉलो करेगा या टट्टी। ये सब क्या है सर। इन्वेस्टिगेशन से ये अभी समझे तेरा मामा रूटीन का इतना पक्का था। हे नहीं सर हैं। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो हैं। हो सकता है किसी ने उनका मर्डर कर दिया हो। कोई उनका मर्डर क्यों करेगा सर वो तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। तुझे तो जानते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर मैं उनका मर्डर क्यों करूंगा। जनाब आपने तेरे से कब कही कि तूने अपने मामा का मर्डर कर दिया। देख भाई बंटी पुलिस की नौकरी में हमने कबूतरबाजी तो की ना और इतने पागल तो हम भी ना है कि केस की गहराई ना समझ सके। अब तू खुद ही सोच कि तेरा मामा मिल क्यों नहीं रहा। आप बताइए ना सर इन्वेस्टिगेशन तो आप कर रहे हैं। जनाब हमें तो पता नहीं था हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चल ठीक है आगे बता। तू मामा को लेने स्टेशन पहुंचा फिर। हाँ मामा जी मैं आ गया
कहाँ हैं आप? अरे यार बंटी, तुम पूरे 15 मिनट लेट हो गए। मतलब? अरे भाई मतलब ये क्या, मैं वहां से निकल गया। कहाँ? ब्रजवासी कचौड़ी भंडार, वहाँ पे कचौड़ी खा रहे हैं। अरे वहाँ कहाँ पहुँच गए आप? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है वो, यहीं कुछ खा लेते यार। चलो अच्छा एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बातें विस्तार से बताऊंगा। चलो अब हमें कचौड़ी का आनंद लेने दो। अरे मामा जी ध्यान से देख, 3 दिन पहले कचौड़ी खा गया तेरे यहाँ से। लेकिन हम तो जी ताजी और स्वच्छ कचौड़ी बना रहे हैं, बासी तो कहीं दे महीनों जैसे हुआ पा जाना। मर्डर हो गया इसका। कह रहे हो मर्डर है वो? वो ना पता जी कचौड़ी, मैं देखूंगा ही, जानूंगा हूँ यार। देखा है कहीं? ध्यान से देख, याद कर। अरे तो यही कर लेते ना, 3 किलोमीटर दूर जाके हगने की क्या जरूरत थी। हम्बे जी हम्बे, 3 दिन पहले आये मेरी रेहरी पर कचौरी खाने, और मैं नहीं थी, मेरी तो रस्सी डाल के दी। और कुछ याद कर, और कुछ? हाँ जी, पर रो रो फोन पर बात करते करते मामा मामा चिल्ला रहा, गुस्से सीमा हो थोड़ी। चल जा कचौड़ी लगा। हाँ जी, ये मामा मामा चिल्ला के रो पुरा होगा। मुझे लगता है चौधरी, मामा का मर्डर करने के बाद गिल्टी हुई। पैसा, मेरी बात ध्यान से सुन, एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब तो एक काम कर, कॉल करके इन्फॉर्म कर दे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। चल ठीक है, बाय, मैं बाद में बात करता हूँ। मामा जी का कुछ पता चला सर? गुनहगार के बहुत नजदीक हैं। और बेटा ये बात गुनहगार भी जानता है, उगलवाना है बस। गुनहगार उगलवाना है? मैं कुछ समझा नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ भी चमन। अच्छा चल फोन रख। हाँ जी, गुड़गावा रोड की झाड़ियों में एक लाश मिली है। क्या लाश? मामा मामा, यूके फंड है रणजी। जनाब अभी तो हमें भी नहीं पता वो लाश किसकी है। ये तो ऐसे रो रहा है, लाश इसके मामा की होगी। इसका क्या मतलब है जनाब? अगर ये लाश इसके मामा की हुई ना रणजी, तो जनाब तो इसको घोड़ी चढ़ाकर हमारा मामा जी का पिकअप पार्ट 2 इन्वेस्टिगेशन, और तीसरे पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रणबीर अभी के बता रहा, ऑडियंस खुद देख लेगी। और अगर आपको हमारा ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आया हो तो दबा के लाइक करें, दबा के कमेंट करें, दबा के शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करना है। रणबीर बिल्कुल जनाब जी, क्यों बड़ा फैल रहा है? ये इसे धर लो जी, उठा साड़े में। चल कर।